दोस्तों, मैंने आज से पहले आपको मैगी की बहुत सारी रेसिपीज दिखाई है, चाहे वो चाइनीज हो, चीजी हो, इटालियन हो, इवन बिरयानी वाली भी दिखाई है। लेकिन चिली पनीर वाली मैगी की ये रेसिपी बहुत ही अलग है दोस्तों। आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक मैगी के बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब मैगी लॉन्च हुई थी इंडिया में, एक जो छोटा पैकेट है उसका प्राइस कितना था? 2.5 रुपए, 3.5 रुपए, 1 रुपए या सीधा 5 रुपए? आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में और मैं आपको सही आंसर बताऊंगा वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये चिली पनीर वाली मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े से पैन में 3 कप पानी डाला है और मैंने यहाँ पर 3 मैगी का ही इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर कोई भी सॉस का इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि उसके बिना ही चिली पनीर आप देखना कितना बढ़िया बनता है और बहुत ही डिफरेंट बनेगा। आप बस कोशिश ये करना कि ये जो जितनी भी मैगी नूडल्स है आप उनको ज्यादा मत तोड़ना, आप इनको थोड़ा लंबा लंबा ही रखना। और आपने इनको 100% तक बॉयल नहीं करना, थोड़ा इनको कच्चा ही रखना है। ये देखो आप कितनी लंबी लंबी नूडल्स मैंने रखी है। ये आपकी चिली पनीर वाली मैगी में बहुत बढ़िया नूडल्स की फील देंगी। तो मैं बस इस स्टेज तक पकाऊंगा कि नूडल्स हल्के से कच्चे हों, हल्के से कच्चे रहने चाहिए, उनमें एक बाइट रहनी चाहिए। और फटाफट से आप इनको स्ट्रेन कर देना, हो सके तो इनको पानी से जरूर धो देना, इससे जितना भी एक्सेस स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा और आपकी मैगी नूडल्स एकदम अलग अलग सेपरेटेड बनेगी। अब आता है इस रेसिपी का मेन पार्ट, जो इस शानदार रेसिपी को जानदार बनाएगा। आपने क्या करना है, एक पैन में आप थोड़ा पानी डालना और उसमें भर के मिर्चे डाल देना। ये दोस्तों थोड़ी स्पाइसी वाली मिर्चें हैं, आप यहाँ पर कम स्पाइसी वाली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर गुंटूर वाली मिर्च का इस्तेमाल करा है, थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसका नाम ही चिली पनीर वाली मैगी है। उसमें भरकर मैंने एक पूरी लहसुन डाली है और 1.5 इंच तक अदरक डाला है। इसको आपको अच्छे से बॉईल करना है। अच्छा, आप चाहो तो आप मैगी के साथ साइड बाय साइड भी कर सकते हो, मैंने तो वीडियो की वजह से यहाँ पर आराम आराम से आपको दिखाने के लिए ऐसे किया है। आप बस इसको तब तक बॉईल करना जब तक मिर्चियाँ सारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट बाद आप इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देना और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना। जितनी देर के लिए जो मिर्ची अदरक लहसुन ठंडी हो रही है, तब तक हम यहाँ पर बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं जो हमें चिली पनीर में काम आएंगी। मैंने यहाँ पर सॉस में थोड़े से हरे प्याज का इस्तेमाल किया है, जो इनका व्हाइट पार्ट है, और जो ग्रीन पार्ट है उसको अलग से रखा है, इसको ऊपर गार्निशिंग में डालूंगा। आप यहाँ पर एक प्याज लेना और उसके बल्ब्स निकाल लेना ऐसे, और शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे बड़ा बड़ा ही काटा है। बिल्कुल पनीर के साइज के हिसाब से आपने कटिंग करनी है। चाइनीज कुकिंग में ऐसा ही होता है कि कटिंग बिल्कुल जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो कोर इंग्रेडिएंट है, उसके हिसाब से होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पनीर को भी ऐसे क्यूब्स में किया है। जितनी देर में आप कटिंग चॉपिंग करोगे उतनी देर में मिर्चें भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। और हाँ, जब आप मिक्सी में डालोगे ना तो ये बीज भी डाल देना, तभी तो चिली पनीर बनेगा स्पाइसी वाला। बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है नॉर्मल और इसको एक पेस्ट सा बना लिया है। कोशिश करना कि आप एकदम फाइन पेस्ट मत बनाना, थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखना, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब फटाफट से सारी चीजें असेंबल करते हैं, आप देखना कितना आसान है। पैन में बस आप अपना चिली पेस्ट जो आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डाल देना और सारा निकाल लेना, यानी कि थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी को अच्छे से शेक करके सारा निकाल देना। शुरुआत में ही आप यहाँ पर नमक और काली मिर्च भी डाल देना। इसको आपने रिड्यूस करना है, कोई अरारोट नहीं डालना, कोई भी चीज नहीं डालनी, रिड्यूस करना है। और उसको हेल्प करने के लिए ना आपकी ये मसाला हेल्प करेगा, ये है मैगी मसाला। हमने 3 पैकेट का इस्तेमाल किया है तो 2 पैकेट मैंने इस टाइम पर डाल दिया है और इसको सॉस के साथ अच्छे से पका लिया है। आप देखो थोड़ी ही देर में ऐसी गाढ़ी सी हो जाएगी आपकी जो सॉस है, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस स्टेज तक आपने पकाना है। अब मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी सॉस को निकाल लिया है, लगभग आधी सॉस को, इसको मैं एंड में ऊपर से सर्व करूंगा। और जो बाकी बची हुई सॉस है उसमें आप यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, हरा प्याज का जो वाइट पार्ट है ये सारा डाल देना और 2 मिनट तक एकदम हाई फ्लेम पर आप इसको पका लेना। हल्का सा कच्चापन दूर होना चाहिए लेकिन सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी ही रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, तभी बहुत ही टेस्टी लगेगी। क्योंकि जो सॉस है वो बहुत ही स्पाइसी है और यहाँ पर जो प्याज और शिमला मिर्च है ना वो बहुत ही जूसीनेस और एक स्वीटनेस ही देगी। इसी टाइम पर मैंने पनीर डाल दिया है और मैंने जो पनीर यूज किया है ये स्पेशली पैकेट वाला पनीर है। आप चाहो तो आप फ्रेश पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो उसको स्टर आराम आराम से करना। थोड़ी देर अच्छे से पकाने के बाद लगभग 30 सेकंड्स तक
फिर मैंने यहाँ पर मैगी डाल दी है पूरी, जो हमने स्ट्रेन करके रखी थी। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर मैगी का जो एक मसाला पैकेट बचा था वो डाल दिया है। अब ध्यान रहे, जो मैगी है ना वो लगभग 50-60% ही पकी है, तो जितनी सॉस जो है ना इसके अंदर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और मैगी के अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा। और तभी मैंने आपको बोला था कि मैगी को 100% बिल्कुल मत पकाना। आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना, ऊपर से यहाँ पर एंड में हरा प्याज मिलाना, दैट्स इट दोस्तों। चिली पनीर वाली मैगी बनके पूरी तैयार है, एकदम डिफरेंट है ये। हाँ, लेकिन मैंने इसको सर्व ऐसे नहीं किया है, सर्व करने के लिए इसको थोड़ा स्पेशल वे से सर्व करेंगे। मैंने बस एक सिजलर पैन को अच्छे से गर्म करके रखा है साइड में, उसमें बेस में आप पत्ता गोभी काट के लगा देना अगर आप मेरी तरह सर्व कर रहे हो। और इस गरम गरम पैन में गैस के ऊपर ही आप यहाँ पर मैगी डाल देंगे। फटाफट से मैंने इसको अपने वुडन वाली प्लेट में डाला है और ऊपर से मैंने जो चिली गार्लिक सॉस थी वो भर कर डाल दी है, और साइड में सिजल करने के लिए थोड़ा सा बटर डाल दिया है। ओए होए होए दोस्तों, इसको खाने में एकदम मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 2.5 रुपए में मैगी लॉन्च हुई थी और उस टाइम 100 ग्राम आता था, और आज की डेट में 70 ग्राम मैगी आती है 14 रुपए की। ये रेसिपी आप अपने घर में सबको कराना टेस्ट, और मेरा तो बस यही कहना है कि आप खाना बिल्कुल नहीं करना वेस्ट। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।